बैक टू माई चैनल। एंड गाइज, बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और वैसे ही मुंबई का वेदर कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है, बट धूप तो नहीं है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी बज रहे हैं 12 और काफ़ी लेट हम लोग का स्केड्यूल चलता है क्योंकि रेवन जो है इसका काम बहुत लेट नाइट तक के चलता है, जिस वजह से हम लोग का जो रूटीन है ना ये पूरा US जैसा हो चुका है। बहुत लेट उठना, बहुत लेट सोना, सो काम है तो ये सारी चीज़ें करना ही पड़ेगा। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं व्लॉग शूट करूं, शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूं और मेकअप के वीडियोस शूट करती हूं, तो इन बीच में ना इन सभी के बीच में मुझे लॉन्ग वीडियो शूट करने का समय नहीं मिलता है। बीच में रेवन की भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो उसमें 10 दिन चले गए, तो काफ़ी दिनों बाद आज बिल्कुल ऐसा मन कर गया कि व्लॉग शूट करना ही चाहिए। और वेदर भी अच्छा है, वेदर अच्छा है पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब ऐसा लगता है कि बारिश आ जाना चाहिए। सो चलिए, अभी ना हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, तब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि शायद सोच रही थी करूँ या ना करूँ, आज व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट अभी मेरा मन पूरा बन चुका है कि आज व्लॉग बनाते ही है। सो आज फ्राइडे है और अभी मैं लंच तो मेरा बना हुआ है, बस अभी मुझे रोटी सेकनी है, तो बस अब मैं रोटी बनाऊंगी। और ये जो नॉइज़ आपको आ रहा है ना ड्रिलिंग का, ये कंटिन्यूसली मेरे सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लैट में चलते रहता है, जिसके चलते मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ किचन में और रोटियाँ बनाती हूँ। की थाली और दाल बहुत ज़्यादा थी, मैंने रेवन को दे दिया क्योंकि मेरे नेबर्स ने मुझे प्रॉन्स करी दिया है, तो मैं टेस्ट करने वाली हूँ, उसके हाथ का फर्स्ट टाइम। और ये मैंने रात में बनाया था जो आम का होता है, खट्टा मीठा, ये काफ़ी टेस्टी लगता है, रोटी चावल। चलो अब मैं लंच इंजॉय करती हूँ। शाम हो चुकी है, 5:27 हो चुका है आप देख सकते हो, और यहाँ शाम की चाय लेके आया है रेवन ब्लैक टी। और अक्सर हमारे घर पे ना शाम की चाय रेवन मेरे लिए बनाता है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिट कर रही हूँ अपना वीडियो। और बाहर थोड़ी सी धूप है अभी आप देख सकते हो, और ये हूँ मैं, वीडियो एडिट कर रही हूँ। धूप आ रही थी तो पर्दा लगा दिया है, और फैन ऑन है ना तो थोड़ा सा आपको नॉइज बहुत ज्यादा आएगा। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी हम लोग जाने वाले बाहर। आज हमें इनविटेशन है डिनर का, तो रेवन के फ्रेंड के घर पे हम लोग आज डिनर करने के लिए जा रहे हैं। काफी टाइम से हम लोग बुला रहे थे बट हम लोग नहीं जा पा रहे थे, तो अभी हम लोग जाएंगे डिनर के लिए। और अभी समय हो रहा है 7:30 बज रहा है, और उन्होंने 7 से 8 बजे का डिनर का टाइम दिया था क्योंकि उन लोग का डाइट वगैरह चलता है, तो उन लोग टाइम रूटीन से उन लोग का कुछ खाना वगैरह रहता है, तो हम लोग ने सोचा कि चले जाएंगे। एक्चुअली हम लोग ने सोचा था कि हम लोग बहुत जल्दी चले जाएंगे यानी 6-7 बजे, बट रेवन के कॉल्स थे तो नहीं जा पाए। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, कुछ इसमें कुछ इस तरीके के कपड़े पहन के जा रही हूँ, एकदम सिंपल से जीन्स है और ये टॉप है, और बस सिंपल सा लूँ क्योंकि घर के एकदम पास ही जा रहे हैं, तो बहुत ऐसे मेकअप वगैरह मैं नहीं करके जा रही हूँ हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, लेट नाइट हम लोग रिटर्न आएंगे। सो वहाँ से आने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं बहुत अच्छे से स्किन केयर फॉलो करूँ, तो बस एकदम सिंपल सा, मैं मेकअप भी नहीं है, सिंपल सा मैंने ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाया और आईब्रोज फिल किया है, काजल भी नहीं लगाया है।
सो अभी बस ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ, अभी मैं वॉच पहनती हूँ और किचन में मेरी वॉच जो है चार्ज होते रहती है और यहाँ पे हमेशा एक पेन में फंसा के रखती हूँ क्योंकि ये लॉकिंग सिस्टम वाला है ना, तो हर दिन पेन ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे ही यूजुअली यहाँ पे रखती हूँ। और एप्पल वालों से रिक्वेस्ट है, इतना ज़्यादा भर भर के पैसा आप लेते हो तो इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा देना चाहिए, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप है ना गाइज, ये बहुत ही गंदा है। 12 घंटे भी बराबर से नहीं चलती है, अगर कुछ एक्टिविटी कर लो तो 12 घंटे से कम चलती है। और ये मैंने एप्पल स्टोर से ही लिया था और इतना पैसा इसमें डालने के बाद में जब बार बार बैटरी चार्ज करनी होती, तो जैसे हम लोग 2-3 दिन के लिए कहीं जाते हैं ना, तो इसका बैटरी बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 2 दिन का बैटरी बैकअप इन लोग ने देना चाहिए, अदरवाइज वॉच तो बहुत अच्छी है नो डाउट यार, बट इतने ज्यादा फंक्शंस के वजह से ना इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम है। तो वॉच पहन के होगी, मैं भूल गई थी परफ्यूम लगाना, तो थोड़ा हम परफ्यूम लगा के जाते ताकि हम अच्छे फ्रेग्रेंस करें। और बैकग्राउंड वॉइस हमारे जनाब का है, और ये जनाब हमेशा इसके चेयर पे ना आपको कपड़े ऐसे ही दिखेंगे, इसका प्रॉब्लम ही है ये। चलो रेवन, चलो, चलो, चलो। हमेशा लास्ट मोमेंट में ये बच्चा जो है ना ये ऐसे ही करता है और हमेशा मुझे बोलता है आप रेडी हो जाओ, मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद रेडी होने के बाद मुझे बोलता है बस 2 मिनट दे दो, मुझे टाइम शीट भरना है, 2 मिनट दे दो, मुझे ये करना है। तो इस वजह से ना मुझे बाहर जाना पसंद नहीं आता। और हमेशा आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखते हो कि मैं शाम को इसको जबरदस्ती घुमाने लेके जाती हूँ। तो चलो अभी रेवन, और कितना समय बचा है सुना अभी? अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना शूट वहाँ जाके करूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे किसी के घर जाके शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि किसी का कंफर्ट मुझे छीनना पसंद नहीं है। तो अगर मुझे जितना होगा मैं शूट करूँगी, अदरवाइज मैं घर पे आने के बाद इस वीडियो को एंड करूँगी। देखिए गाइस, हमेशा मेरे सोसाइटी में कुत्ते इस तरीके के नशे करके सोए रहते हैं। यहाँ पे ये गड्डी तैयार हो रही है, सो अभी पहुँचने ही वाले हैं। कौन सा था ये? सो गाइज, हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं, आपने वीडियो में देखा ही, मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ वीडियो शूट नहीं किया। और जिनके घर पे हम लोग खाना खाने गए थे उन्होंने इतनी सारी डिशेज बनाई थी गाइज, मैं उसमें से आधी भी नहीं खा पाई। बहुत ही डिलीशियस डिनर आज हम लोग ने वहाँ पे इंजॉय किया और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी करी। और बाय द वे अभी बज रहा है, आपको दिखा दूँ, अभी 1:20 हो रहे हैं रात के। सो हम लोग जस्ट अभी घर आए और अब हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, तो वीडियो को यही एंड करते हैं गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन दिखेगा उसको भी आप टर्न ऑन कीजिए ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक के सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।